ये मालवन का विसावा बीच रिजॉर्ट है। ये विसावा बीच रिजॉर्ट मालवन में तारकरली में बीच के नज़दीक है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी बड़ा पार्किंग का एरिया है। तारकरली आपको पता होगा कि तारकरली काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, इसमें मोस्टली काफ़ी होटल को पार्किंग का बहुत इश्यू है, लेकिन इस होटल में देखो ये सब पूरा पार्किंग एरिया है, तो काफ़ी गाड़ियां इधर पार्क हो सकती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनके होटल के एरिया में। ये इनका होटल का एंट्रेंस है और होटल अंदर की तरफ है। अगर आप सामान लेके आएंगे तो आपको अंदर तक गाड़ी लेके जाने को देते हैं आपके रूम तक सामान निकालने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, इनके एंट्रेंस के बाजू में ही ओपन रेस्टोरेंट है जिधर आप कुछ भी खाना मंगा के खा सकते हैं। देखिए फिर ये इनका लेफ्ट साइड में ये इनका रेस्टोरेंट है और ये सामने उनके सब होटल हैं। तो सामने दो दिख रहे हैं उनके डीलक्स कैटेगरी के एसी रूम्स हैं। लेफ्ट में बच्चे लोग के लिए एक छोटा सा गार्डन है खेलने के लिए। वैसे तो ये होटल में काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो आपको बच्चों को ऐसे फ्री छोड़ सकते हैं कि वो कहीं भी खेल सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है इसमें। और ये पूरा होटल पूरा का पूरा नारियल के ट्री से भरा हुआ होटल है। चारों तरफ देखेंगे तो नारियल के ट्री से भरा हुआ होटल है, पूरा ग्रीनरी है इसमें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इनके फ्रंट बाजू में जो डिलक्स रूम्स हैं, नीचे ऊपर दोनों डिलक्स रूम्स हैं। ये होटल बराबर बीच के नज़दीक है कि मतलब होटल के वॉल से आप बीच में एंटर कर सकते हैं, आपके होटल के रूम में से पूरा बीच का व्यू भी दिखता है। तो ये इनके डिलक्स एसी रूम्स हैं, नीचे और ऊपर ऐसे अलग रूम्स हैं और बाहर बैठने के लिए आपके लिए गैलरी भी है और नीचे ऐसा बीच का रेत होने की वजह से आप बच्चे को खेलने के लिए भी वहाँ छोड़ सकते हैं। और इतने अच्छे नीट और क्लीन बनाए हैं और उनका रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल रेट्स हैं होटल से कंपेयर टू दूसरे होटल से, जिसमें इतने बड़ी इतना बड़ा मतलब प्लेस नहीं है कि आप जो सुकून से रह सकते हैं, लेकिन ये होटल ऐसा है कि आपके शोर से मतलब शोर से दूर सुकून वाला प्लेस है। देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी और कितना बड़ा जगह है। पूरा होटल नेचुरल तरीके से है कि कुछ भी नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। जो आप मुंबई वाले या जो भी सिटी वाले होते हैं हम लोग, जो आपको पूरा छुट्टी का मजा लेने के लिए काफी अच्छी जगह है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बीच की तरफ, देखिए जी मतलब ये होटल के वॉल से बीच कितना नजदीक है।
बच्चे ने बोला कि नहीं मेरे को बीच जाना है, तो कभी भी आप जाके बीच में स्विमिंग कर सकते हैं। और शाम को जाके बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, कि आप शाम को जाके वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि होटल के वॉल के उधर से ही बीच नज़दीक नज़र आ रहा है। तो आप कभी भी उठ के बीच के लिए, और ये बीच इतना शांत और अच्छा है, मतलब काफ़ी क्राउडेड नहीं है कि जिसमें आप बीच का पूरी तरह से मज़ा ले सकते हैं। आप आराम से मतलब बीच के पास रिलैक्स बैठ सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। होटल के एंट्रेंस से बीच को जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। देखो यहाँ से बीच दिख रहा है, कितना नीट और क्लीन बीच है, एकदम नजदीक है होटल से, मतलब होटल को लग के ही बीच है। अभी मैं आपको इनका एक एग्जीक्यूटिव रूम अंदर से बताता हूँ। इतना स्पेशियस रूम है, आपको बताता हूँ कि कोई भी होटल इतना स्पेशियस नहीं होता है। इसमें काफ़ी बड़ा ये रूम है, उसमें आप इसका बाथरूम भी देखेंगे तो इतना बड़ा बाथरूम है, और अंदर रूम भी इतना बड़ा है कि आप कंफर्टेबली भी चार जन रह सकते हैं। और अच्छा नीट क्लीन बाथरूम है, आपको इनका अंदर से रूम दिखा। तो ये इनका रूम है, और इनका ये किंग साइज इसमें बेड है। और होटल के रूम से मतलब गैलरी से आपको पूरा सी का व्यू दिखता है। वेल फर्निश्ड रूम है इनका, छोटा सा उन्होंने कबर्ड भी बनाया हुआ है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी किचन टाइप बनाया हुआ है। गैलरी में बैठ के रहते हैं, बीच का मजा ले सकते हैं। सामने की तरफ ये पूरा बीच है, आपको गैलरी से पूरा बीच का व्यू दिखता है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये रूम बुकिंग करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you.